मायावी गुलाबी नदी की जादुई गाउन। रतनपुर नाम के गांव में दिशा अपने पिता मुकेश के साथ रहती थी। जब दिशा पैदा हुई थी उसी वक्त उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता ही उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। दिशा स्कूल जाती थी और उसके पापा उसे लंच बनाकर देते थे और घर का सारा काम करने के बाद शहर सब्जी बेचने जाते थे। मुकेश अपनी बेटी की सारी इच्छा पूरी करता था ताकि उसे कभी भी अपनी माँ की याद न आए और वो खुशी से रह सके। एक दिन दिशा अपने पापा से कहती है, पापा अब बहुत अच्छे हो, मैं तो दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं। इतना तो किसी की माँ भी ख्याल नहीं रखती होगी जितने मेरे पापा मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुझे दुनिया की सारी खुशी दूंगा और हर वक्त तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अभी तो तुझे तेरी अच्छी परवरिश के लिए और भी बहुत मेहनत करना है। तू भी तो मेरी प्यारी बेटी है जो मेरी सारी बात मानती है। इस तरह दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन मुकेश दिशा की कुछ किताबें लेने बाजार गया था, तभी आते वक्त एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मुकेश की वहीं मौत हो जाती है। गांव के कुछ लोग दिशा को उसके पापा के मौत के बारे में बताते हैं। पापा आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मेरी तो माँ भी नहीं है और अब आप भी चले गए। आगे खोलो पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इस तरह दिशा बहुत रो रही होती है। थोड़ी देर बाद किसी तरह गांव के लोग मिलकर दिशा के पापा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और दिशा अपने मन में सोचती है, पापा ने मुझे बताया था कि इसी गांव में मेरी एक बुआ भी रहती है। अब मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी, इसलिए अपने बुआ के घर चली जाती हूँ। इतना सोचकर दिशा अपना सारा सामान ले लेती है और अपनी बुआ सुशीला के घर चली जाती है। दिशा जब अपने बुआ के घर पहुंचती है तो उसे उसके बुआ का पति राजीव नजर आता है। दिशा राजीव के पास जाती है और बोलती है, फूफा जी 3 दिन पहले मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरे पापा ने एक दिन मुझे बताया था कि मेरी बुआ यहाँ रहती है। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी बुआ तुम्हें अपनी बेटी अनाया की तरह ही प्यार करेंगे। मैं अभी तुम्हारी बुआ को बुलाता हूँ। उसके बाद राजीव सुशीला को आवाज लगाता है, अरे सुशीला यहाँ तो आओ, देखो दिशा आई है, अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। राजीव की आवाज सुनकर सुशीला और अनाया वहाँ आ जाती है। दोनों माँ बेटी दिशा को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। हाँ हाँ आ गई है मुँह उठाकर, ये मेरा घर थोड़ी ना है बल्कि अनाथ आश्रम है जो कहीं से भी मुँह उठाकर आ जाते हैं। हमारे घर में पैसे के पेड़ लगे हुए हैं ना, जो अब इसका भी खर्चा उठाए, मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। सुशीला ये तुम कैसी बातें कर रही हो, दिशा तुम्हारे भाई की बेटी है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तो मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर इससे मेरा क्या रिश्ता। अरे कुछ तो शर्म करो, वैसे भी भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए दिशा यहीं रहेगी। इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। सुशीला दिशा को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी लेकिन राजीव की वजह से उसे रखना पड़ता है। सुशीला अपने मन में सोचती है, आ तो गई मेरे घर लेकिन मैं इसे यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं इसको इतना तंग करूंगी कि खुद घर छोड़कर चली जाएगी। इस तरह उस दिन से सुशीला दिशा से घर के सारे काम करवाती थी और कभी कभी तो बिना बात के मार दिया करती थी। दिशा सुशीला का सारा अत्याचार सह रही थी और किसी को कुछ नहीं बोलती। एक दिन दिशा सुशीला से कहती है, बुआ मैंने घर के कोने कोने की सफाई कर दी है, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है यही रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। सुशीला किचन में जाती है और वहाँ से एक दिन पुराना रोटी लेकर आ जाती है। बुआ ये तो कल की रोटी है। हाँ और तुझे ऐसा ही खाना मिलेगा, ये बचा हुआ खाना मुझे फेंकना पड़ता है, लेकिन अब तू है ना तुझे ही खिला दिया करूँगी। इतना बोलकर सुशीला वहाँ से चली जाती है। दिशा एक दिन पुरानी रोटी खा लेती है। अगले दिन दिशा अनाया के कपड़े तय लगाकर उसके कमरे में रखने जाती है। तभी उसकी नज़र अनाया के बहुत ही सुंदर गाउन पर जाती है
गाउन को देखकर दिशा को रहा नहीं जाता और वो उसे पहन लेती है। तभी वहाँ पर अनाया आ जाती है। दिशा को अपना गाउन पहना हुआ देख अनाया गुस्से से लाल हो जाती है। नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाउन को पहनने की? तूने मेरा गाउन खराब कर दिया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। शोर शराबा सुनकर सुशीला वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर अनाया उसे बोलती है, मम्मी, इस नौकरानी ने मेरा गाउन खराब कर दिया। मैंने इसे अभी तक पहना नहीं था और मैंने सोचा था कि इसे मैं अपने जन्मदिन में पहनूंगी, लेकिन उससे पहले ही इसने मेरा इतना सुंदर गाउन खराब कर दिया। अरे नौकरानी, तूने कभी ऐसा गाउन देखा भी है? मेरी बेटी का गाउन बहुत महंगा था, इसलिए इसके सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मनहूस, मेरे घर से बाहर निकल जा। नहीं बुआ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, तू निकल यहाँ से। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर दिशा को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। दिशा रोते हुए जंगल में चली जाती है। दिशा सुबह से रात तक जंगल में ही बैठी रहती है। तभी थोड़ी देर बाद देखती है कि जंगल के बीचों बीच अपने आप एक गुलाबी नदी प्रकट हो गई है। अरे, मैं तो सुबह से यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नदी नहीं थी, फिर ये गुलाबी नदी कहाँ से आई? थोड़ी देर तक सोचने के बाद दिशा गुलाबी नदी के अंदर हाथ डालती है। दिशा जैसे ही गुलाबी नदी के अंदर हाथ डालती है, उसके हाथ में एक सुंदर सा गाउन आ जाता है। इस नदी के अंदर तो इतना सुंदर गाउन था। तभी गुलाबी नदी से आवाज आती है, दिशा, मैं एक मायावी नदी हूँ। लेकिन आप अचानक अभी क्यों आए? क्योंकि जब भी मैं किसी परेशान व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए देखती हूँ, तो अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाती हूँ, ताकि मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं कहाँ रहूँगी? ये जादुई गाउन है, इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें सब देगी। इसलिए जादुई गाउन के होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर दिशा बहुत खुश होती है और मायावी गुलाबी नदी को धन्यवाद करती है। सुबह होने के बाद दिशा जादुई गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दिशा जादुई गाउन से कहती है, हे जादुई गाउन, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। उसके बाद जादुई गाउन वहाँ एक बड़ा सा सुंदर सा घर प्रकट कर देती है। दिशा घर के अंदर जाती है और उसे घर के अंदर सारा सामान मिलता है, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन अनाया की दोस्त उससे बोलती है, अरे अनाया, तेरी नौकरानी दिशा को मैंने एक बड़े से घर से निकलते हुए देखा, यहाँ तक कि उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी है। ये बात सुनकर अनाया हैरान रह जाती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। अनाया सुशीला को ये सारी बातें बताती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हम दोनों कल ही उसके घर जाएंगे और सारी सच्चाई का पता लगा लेंगे। अगले दिन दोनों माँ बेटी दिशा के घर जाती है। दिशा जादुई गाउन से कुछ पैसे मांग रही थी और ये सब दोनों माँ बेटी देख लेती है। चलो मम्मी, इससे ये जादुई गाउन छीन लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी दिशा के घर के अंदर जाते हैं और उससे जादुई गाउन छीनने की कोशिश करते हैं। तभी जादुई गाउन में से एक सांप निकलता है और दोनों माँ बेटी को काट लेता है। उसी वक्त दोनों माँ बेटी की मौत हो जाती है और जादुई गाउन उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। इस तरह सुशीला और अनाया को उनके कर्मों का फल मिल जाता है। इन दोनों की तो मौत हो गई, लेकिन फूफा जी अकेले कैसे रहेंगे? उन्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता है और न ही घर का एक काम आता है, इसलिए उन्हें मैं अपने साथ अपने घर ले आती हूँ। इतना सोचकर दिशा राजीव के घर जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है। राजीव को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए राजीव खुद को समझा लेता है और दिशा के साथ उसके घर आ जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दिशा एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।
जादुई गोल्डन सैंडल का जादू। एक बार की बात है, सुदामापुर नाम के एक गांव में दो अनाथ बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम अर्चना और छोटी बहन का नाम नीलम था। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। अर्चना अपना और अपनी छोटी बहन का पेट पालने के लिए सड़क पर घूम घूम कर कबाड़ा चुनने का काम करती थी। एक बार की बात है, अर्चना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तब नीलम अपनी बहन अर्चना से कहती है, दीदी आप क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई हो? खराब तबीयत के कारण आप ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, फिर भी काम पर जाने की जिद कर रही हो। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नीलम, अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो पैसा कैसे आएगा, और अगर पैसा नहीं आएगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, तुम समझ रही हो ना? हाँ दीदी, आप एक काम करो, आज आप आराम कर लो, आज मैं चली जाती हूँ काम करने। नहीं नीलम, तू स्कूल जाती है, अगर किसी स्कूल के बच्चे ने तुझे कबाड़ा बिनते हुए देख लिया तो वो सब तेरा मजाक बनाएंगे। तू ज्यादा टेंशन मत ले, मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। इतना कहकर अर्चना घर से बाहर चली जाती है। घर का दाना पानी चलाने के लिए पूरे दिन धूप में अर्चना कबाड़ा चुनती रहती थी और उन्हें एक बोरे में भरकर भंगार वाले के यहाँ बेच देती थी। नमस्ते काका, ये लो, जल्दी से इस कबाड़े का वजन करके मुझे इसके पैसे दे दो। ये ले बिटिया 150 रुपए, 15 किलो का भार था इसलिए मैं तुझे 150 रुपया दे रहा हूँ। जितने भी पैसे बनते हैं दे दो काका। अर्चना उन पैसों को अपनी मुट्ठी में बांधकर खुद से बातें करते हुए बढ़ती जा रही थी। तबीयत खराब में भी सुबह से शाम तक घुमक्कड़ की तरह घूम घूम कर कबाड़ा चुनने के बावजूद सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं। इतने पैसे तो लाला की उधारे चुकाने में ही खत्म हो जाएंगे, आज का राशन पानी कैसे खरीदूंगी। पूरे रास्ते अर्चना को जो बातें खल रही थी उसके साथ वही होता है। लाला उससे पैसे लेने के बाद दुकान से भगा देता है। बेचारी अर्चना मुंह बनाकर घर आ जाती है। अर्चना को उदास देखकर उसकी बहन नीलम उससे कहती है, क्या बात है दीदी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रही हो? मुझे तुम्हारी बड़ी बहन होने पर धिक्कार है, मैं तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाती हूँ बहन। ऐसे मत बोलो दीदी, देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप मेरे साथ हो मेरे लिए यही बहुत है, आप वैसे भी मेरे लिए बहुत करती हो। उसके बाद नीलम अपने पड़ोसन से थोड़ा सा आटा मांगकर लाती है और उसे अपने और अपनी बहन के लिए दो रोटी बना लेती है और दोनों बहनें आधा पेट खाना खाकर सो जाती हैं। हर एक रोज अर्चना सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनती थी उसी से वो रात को अपनी भूख मिटा पाते थे। एक दिन अर्चना पूरे दिन घूमती रहती है लेकिन उसे कहीं अच्छा कबाड़ नहीं मिलता जिससे उसकी कुछ आमदनी हो सके। सुबह से अभी तक 1 रुपए का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा, अब मैं क्या करूंगी? तभी अर्चना की नज़र रास्ते पर पड़ी एक साधारण सी सैंडल पर जाती है। अर्चना उसे लेकर घर आ जाती है और उसे अपनी छोटी बहन नीलम को देते हुए कहती है, नीलम ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच में ये सैंडल मिली, दिखने में तो बिल्कुल नई लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी व्यापारी के गाड़ी से गिर गई होगी। सच में दीदी है तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, मैं इसे पहन कर देखती हूँ। नीलम उस सैंडल को अपने पैरों में पहनती है। जैसे ही वो उसे अपने पैरों में पहनती है वैसे ही उसके फटे पुराने कपड़े नई ब्रांडेड कपड़ों में बदल जाते हैं और सैंडल का कलर भी गोल्डन कलर का हो जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर गोल्डन कलर की 4 सैंडल और प्रकट हो जाती है। ये सब देख कर दोनों बहने हैरान हो जाती है। अरे नीलम, तुमने तो अभी फटी पुरानी सी ड्रेस पहनी हुई थी, अचानक से तुम्हारे कपड़े इतने खूबसूरत कैसे हो गए? और यहाँ इतनी सारी गोल्डन सैंडल कहाँ से आई? कहीं ये सब इस सैंडल का कमाल तो नहीं है? हाँ दीदी, ये सब इस सैंडल की ही वजह से हुआ है। ये कोई साधारण सैंडल नहीं बल्कि जादुई सैंडल है। देखो तो जरा, एकाएक इस सैंडल का रंग सुनहरे गोल्डन कलर का हो गया है। जादुई गोल्डन सैंडल का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर सैंडल को अर्चना खुद पहनती है। जादुई गोल्डन सैंडल एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है और अर्चना के कपड़े भी बहुत सुंदर और ब्रांडेड कपड़ों में बदल जाते हैं और वहाँ पर गोल्डन कलर की 4 सैंडल और प्रकट हो जाती है। नीलम देखा तुमने, जैसे ही मैंने इस सैंडल को पहना मेरी भी कपड़े कितने खूबसूरत हो गए और यहाँ पर गोल्डन कलर की 4 सैंडल और प्रकट हो गई। अब तो मुझे पूरी तरह यकीन हो चुका है कि ये कोई साधारण सैंडल नहीं बल्कि जादुई गोल्डन सैंडल है।
दीदी, इसका मतलब इस सैंडल को हम जितनी बार पहनेंगे इसमें से 4 और गोल्डन सैंडल निकल जाएंगी, परंतु हम इतने सारे सैंडलों का क्या करेंगी? नीलम, अब ये सैंडल हमारे पैसे कमाने का पात्र बनेगा। लेकिन वो कैसे दीदी? हम इस जादुई सैंडल से इसी तरह गोल्डन सैंडल प्रकट करवाते रहेंगे और उन्हें बेचते रहेंगे। ये सैंडल इतनी खूबसूरत है कि कोई भी हमें इसके अच्छे खासे दाम दे देगा। इस काम में हमारी कोई लागत भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जादुई गोल्डन सैंडल तो हमें मुफ्त में ही सैंडल दे दिया करेगी। अरे वाह दीदी, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि जैसे हमने गरीबी में दिन काटे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कोई और ना काट सके। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है नीलम, हम एक बहुत ही बड़ा अनाथ आश्रम खोलेंगे और उसमें अनाथ बच्चों को रखेंगे। इतना सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है, परंतु उनकी ये सारी बातें पड़ोस में रहने वाली शालिनी आंटी सुन लेती है। वो मन में सोचती है, ये क्या, इन दोनों कबाड़ी वाली को जादुई गोल्डन सैंडल मिल गई? अगर ये इनके पास रही तो ये बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। इतना सोचकर शालिनी आंटी अपने घर में जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी अपने घर के बगल वाले झोपड़ी में जो दो कबाड़ी बहने रहती है ना, उनको अपने कबाड़ में जादुई गोल्डन सैंडल मिली है। उस सैंडल को जो भी पहनता है वो खूबसूरत हो जाता है और उसके पास गोल्डन कलर की 4 सैंडल प्रकट हो जाती है। हम एक काम करते हैं, उस सैंडल को चुरा लेते हैं और 4-4 करके बहुत सारी सैंडल इकट्ठा कर लेंगे और फिर उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, आज रात को ही उनके घर में चोरी करवा लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक चोर को कुछ पैसे देकर अर्चना और नीलम के घर में चोरी करने को कहती है। रात में चोर उनके घर में घुसकर जादुई गोल्डन सैंडल के साथ साथ उनकी सारी सैंडल लेकर शालिनी आंटी को दे देता है। वो दोनों माँ बेटी गोल्डन सैंडल पाकर बहुत खुश होती है। बेटी अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सही कह रही हो माँ। अगली सुबह शालिनी बहुत सारे सैंडल दुकान में बेच देती है। जब इस बारे में अर्चना और नीलम को पता चलता है कि रातों रात उनके घर से जादुई सैंडल गायब हो गया है, तो वो दोनों बहुत उदास हो जाती है। बहन, हमने कितना कुछ सोचा था कि जादुई गोल्डन सैंडल की मदद से लोगों की मदद करेंगे और खुद भी ऐशोराम की जिंदगी जिएंगे, पर किसी ने हमारी जादुई गोल्डन सैंडल चुरा ली। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, अब हम क्या करेंगे दीदी? कुछ नहीं बहन, शायद वो गोल्डन सैंडल हमारी किस्मत में ही नहीं थी, हमारी किस्मत में कबाड़ा चुनना ही है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर अर्चना कबाड़ा चुनने के लिए निकल जाती है। जब वो शालिनी आंटी के घर के सामने से गुजर रही होती है, तभी उसे एक बहुत मीठी सी आवाज आती है। रुक जाओ अर्चना, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मेरा गलत इस्तेमाल करेंगे, ये लोग बहुत लालची लोग हैं। अरे मेरा नाम लेकर कौन बोल रहा है, यहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा? मैं तुम्हारी जादुई सैंडल बोल रही हूँ अर्चना, तुम शालिनी के घर के अंदर देखो, इन्होंने मुझे तुम्हारे घर से चुरा लिया है, मुझे अपने साथ ले चलो। अर्चना शालिनी के घर में झांकती है तो वो देखती है कि सच में जादुई गोल्डन सैंडल से ही आवाज आ रही है। तुम बोल भी सकती हो? हाँ अर्चना, लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं है, मुझे जल्दी से उठाकर अपने साथ ले चलो, अभी सही मौका है। अर्चना फटाफट जादुई गोल्डन सैंडल उठाती है और अपने घर आ जाती है और अपनी छोटी बहन को सारी बात बताती है। तब जादुई गोल्डन सैंडल कहती है, अच्छा हुआ अर्चना तुमने मुझे बचा लिया, वरना वो लोग मेरा बहुत गलत इस्तेमाल करते, अब तुम मुझे कहीं छुपा कर रख दो। हाँ गोल्डन सैंडल, अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इतना कहकर अर्चना जादुई सैंडल पहनती है और उसके पास 4 सैंडल प्रकट हो जाती है। अर्चना जादुई गोल्डन सैंडल को छुपा देती है और बाकी की 4 सैंडल लेकर बाजार चली जाती है और उन्हें बेच देती है। उन सैंडलों के उसे अच्छे दाम मिल जाते हैं, जिनसे वो मार्केट से नई और सुंदर सुंदर सैंडल खरीद लेती है और इस तरह वो सैंडल का व्यापार करने लगती है और मेहनत करके अपना और अपनी बहन का जीवन संवार लेती है। अब अर्चना अपनी जादुई गोल्डन सैंडल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, इसलिए शालिनी चाहकर भी उसे कभी दोबारा चुरा नहीं पाई। धीरे धीरे नीलम और अर्चना ने खूब तरक्की की और देखते ही देखते बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गई। अर्चना ने अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम बनवाया और उसमें बेसहारा बच्चों को पनाह देने लगी।
और इसी तरह अन्य लोगों की मदद करते हुए दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।